आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक, 5 गिरफ्तार, परीक्षा रद्द। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को हुई राजस्व निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का पेपर लीक हो गया है। पेपर आयोग के ही अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पत्नी के साथ मिलकर लीक कराया। एसटीएफ ने अनुभाग अधिकारी और उसकी पत्नी समेत 5 को गिरफ्तार किया है। उनके पास से परीक्षा सामग्री और 41.50 लाख रुपये बरामद हुए हैं। आयोग ने आरोपी अनुभाग अधिकारी को निलंबित करते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। अब यह परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा होगी। मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्ला ना मचे इसलिए गूगल की मदद से खुद करवाए पेपर। तो अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी से पेपर मिलने के बाद राज्यपाल और संजीव ने बड़े सुरक्षित तरीके से काम किया। ज़्यादा लोगों को पता न चले इसलिए उन्होंने पेपर हल करने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद नहीं ली। दोनों ने रिजॉर्ट और रामपाल के घर में खुद अभ्यर्थियों को बैठाकर गूगल के माध्यम से पेपर हल कराया। तो बड़ी खबर है, JEE और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो गए हैं। तो नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में रहकर वर्ष 2018 से भर्तियों में खेल करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों के पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हुई है। इनमें JEE और प्रवक्ता भर्तियां शामिल हैं। इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपये प्रति अभ्यर्थी लिए हैं। एसटीएफ इन भर्तियों में हुए खेल का भी जल्द खुलासा कर सकती है। एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए। बताया कि उसने सिर्फ यहाँ पेपर लीक नहीं कराया बल्कि यह काम तो वह बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उसे याद था उसने 3 भर्तियों के नाम लिए। अवर अभियंता JEE, सहायक अभियंता AE और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। ये भर्तियां आयोग ने वर्ष 2021 में निकाली थी। इनके रिजल्ट आ चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि इनमें AE के पेपर के लिए 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिए, जबकि JEE और प्रवक्ता भर्ती के लिए अभ्यर्थी 30 से 35 लाख रुपए वसूले गए। इन परीक्षाओं के भी बिके थे पेपर। तो एसटीएफ ने अब तक अभ्यर्थियों की संख्या की भी तस्दीक कर दी है। JEE भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी, जबकि AE में 5 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा। प्रवक्ता पद के लिए अब तक एसटीएफ 3 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी हो सकती है। यदि संख्या ज़्यादा हुई तो एसटीएफ इन परीक्षाओं को भी रद्द करने के लिए पत्र भेज सकती है। तो बड़ी खबर है, JEE और प्रवक्ता भर्ती में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी मिलते हैं तो ये परीक्षाएँ भी रद्द हो सकती हैं। अब निगाहें सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बीच अब सबकी निगाहें आयोग की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर है। यह परीक्षा 22 जनवरी को 600 से अधिक केंद्रों पर होने जा रही है। इसमें 2,10,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। राज्य लोक सेवा आयोग सरकार और पुलिस के सामने पेपर लीक के बाद चुनौती बढ़ गई है। 22 जनवरी को होने वाली 894 पदों की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है। आयोग के ही अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद इस परीक्षा की पारदर्शिता कराने की चुनौती और कड़ी हो गई है। वहीं 28 से 31 जनवरी के बीच आयोग की PCS मुख्य परीक्षा होने जा रही है। बेहद अहम इस परीक्षा को भी पारदर्शिता कराने की चुनौती है। दूसरी ओर 12 फरवरी को दोबारा पटवारी लेखपाल और 19 फरवरी को सहायक लेखागार भर्ती को भी माफिया से बचाने का चैलेंज होगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार की शाम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार अपनी पूरी डिटेल भरकर आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर लीक अब इस साल होने वाली 31 भर्तियां बनी चुनौती। तो नए साल की पहली ही परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब आयोग के सामने 31 परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शिता से कराना चुनौती है। पेपर लीक की चुनौती से जूझ रही उत्तराखंड की भर्तियों के बीच पहले अधीन सेवा चयन आयोग की मुश्किलें थी, लेकिन अब प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था UKPSC के लिए मुश्किल वक्त है। पिछले साल के आखिर में आयोग ने 2023 की 32 भर्ती परीक्षाओं के लिए तिथियों का कैलेंडर जारी किया था। सबको भरोसा दिलाया था कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा कराई जाएंगी। जोश के साथ पहली परीक्षा 8 जनवरी को करा दी।
लेकिन पेपर लीक हो गया। अब आयोग के सामने बाकी 31 परीक्षाओं को कराने की चुनौती है। इस परीक्षा पर शुरू से ही लगा है ग्रहण। तो प्रदेश में 5 साल से युवा पटवारी लेखपाल बनने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में आखिरी पटवारी भर्ती के लिए 2015 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिलावार 2016 में भर्ती के विज्ञापन जारी हुए थे, जिसमें करीब 464 पद भरे गए थे। भर्ती में शामिल युवाओं को 2018 में ज्वाइनिंग मिल गई थी, जिसके बाद से प्रदेश में पटवारी लेखपाल की नई भर्ती नहीं हुई है। पेपर लीक से रडार पर आए रुड़की और देहात के कोचिंग सेंटर। पटवारी लेखपाल भर्ती लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले के तार रुड़की और देहात के कुछ कोचिंग सेंटरों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि एसटीएफ ने पनियाला से एक युवक को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। ऐसे में एसटीएफ और पुलिस के रडार पर कई कोचिंग सेंटर भी आ गए हैं। पेपर लीक पर हरीश रावत ने मांगी युवाओं से माफ़ी। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवाओं से क्षमा याचना की है। सरकार या आयोग को दोष देने के बजाय उन्होंने कहा कि वह खुद शर्मिंदा हैं, जो आज तक योग्यता का मूल्यांकन करने वाला फुल प्रूफ सिस्टम खड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, इससे लगता है कि राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन भी भ्रष्टाचार के मामले में भी वहीं पर आ गया है जहां पर अधिक सेवा चयन आयोग पहुंचा। यह एक दुखद समाचार है। आपका प्रदर्शन आज तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती भी पेपर लीक होने के मामले में आम आदमी पार्टी शुक्रवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। निरस्त पटवारी परीक्षा 12 फरवरी को होगी। तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा होने के बाद 8 जनवरी को आयोजित परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब परीक्षा 12 फरवरी को होगी, जबकि 12 को निर्धारित सहायक लेखागार की परीक्षा अब 19 फरवरी को कराई जाएगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की भी छानबीन शुरू। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर्चा लीक होने की चर्चाओं के बीच उसकी भी छानबीन की जा रही है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो एक टीम बकायदा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की छानबीन में जुटी है, लिहाजा अभी एसटीएफ के अफसर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पिछले माह हुई थी परीक्षा, तो लोक सेवा आयोग ने पिछले माह 18 तारीख को प्रदेश के 413 केंद्रों पर कांस्टेबल पर भर्ती कराई थी, जिसमें 1.20 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के हुए खुलासे के बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चतुर्वेदी ने दी जानकारी। तो एसटीएफ सूत्रों की माने तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अहम जानकारी दी है, जिसके चलते एसटीएफ मामले की जांच में जुट गई है। एक टीम हरिद्वार में ही डेरा डाले हुए है। अनुभाग अधिकारी संजीव की जड़ें खंगाली जा रही हैं। चर्चा है कि जद इस परीक्षा को लेकर हैरान कर देने वाली बात सामने आ सकती है। एसटीएफ के एक अधिकारी के नाम छापने की शर्त पर इस परीक्षा को लेकर छानबीन करने की बात कबूली गई है। ट्रांसलेशन ने अटका दिया नकल विरोधी कानून। तो यूके ट्रिपल एससी के बाद अब लोक सेवा आयोग का पेपर आउट होने से उत्तराखंड में नकल माफिया के बुलंद हौसले का पता चलता है। उधर माफिया को रोकने के लिए प्रस्तावित नकल विरोधी कानून बीते 5 महीने से कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं हो पाया है। प्रदेश में पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने या संगठित नकल के मामले सामने आ चुके हैं। नकल रोकने का विशेष कानून न होने से पुलिस ऐसे मामले में धोखाधड़ी की सामान्य धाराओं में केस दर्ज कर पाती है, जिससे आरोपी आसानी से छूट जाते हैं। गिरफ्तारी परीक्षा रद्द और नई तारीख के ऐलान में तेजी। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में राज्य सरकार तत्काल एक्शन मोड में आ गई। कई और परीक्षाएं जांच की जद में आई। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई प्रवक्ता जेई और एई परीक्षा भी जांच की जद में आ गई है। इनमें गड़बड़ी के संकेत मिलते ही एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी समेत 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे 41 लाख रुपए बरामद हुए हैं। असुरक्षित 2 होटलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू। तो आपदाग्रस्त जोशीमठ के डेंजर जोन में भूदशाव के कारण खतरा बने 2 होटलों के बहुमंजिला भवन गिराने को लेकर के चल रहा गतिरोध गुरुवार को दूर हो गया। प्रशासन होटल स्वामियों व स्थानीय निवासियों के बीच चली कई दौर की वार्ता के बाद होटल गिराने पर सहमति बन गई। जोशीमठ में होटलों का ध्वस्तीकरण शुरू। तो जोशीमठ में भूदशाव के बाद चिन्हित किए गए होटल माउंट और मलारी इन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आखिरकार बृहस्पतिवार से शुरू हो गई।
खुदरा महंगाई घटकर एक साल के निचले स्तर पर पहुंची, तो बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत की खबर है। खुदरा महंगाई घटकर एक साल के निचले स्तर पर आ गई है। रक्तदाता पंजीकरण में प्रदेश का रिकॉर्ड, तो धन सिंह, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 1.4 लाख ने कराया पंजीकरण, 1.21 लाख ने किया रक्तदान। कटौती के संकट से राहत, प्रदेश को 7 राज्यों से मिली बिजली, तो बिजली संकट दूर करने के लिए UPCL MD ने दिल्ली भेजे थे अधिकारी। एक्सपोर्ट हब योजना में दून और हरिद्वार जिले चयनित हुए, अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा, तो इस बार चारधाम यात्रा अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 26 जनवरी को बद्रीनाथ और 18 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी, जबकि अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। स्कूली बच्चों को हफ्ते में एक दिन झंगोरे की खीर मिलेगी, तो कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा मिड डे मील योजना में स्कूली बच्चों को हफ्ते में एक दिन झंगोरे की खीर दी जाएगी। इसी सप्ताह जारी होगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग आगामी 2 से 3 दिन में रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। उम्मीदवारों के सर्विस रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। 7 भर्तियों में से आयोग ने 5 को हरी झंडी दे दी है। फर्जी डॉक्टरों की तलाश में STF की टीम 11, तो प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे जाली डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के लिए STF ने टीम 11 चुन ली है। 11 सदस्य टीम के विभिन्न जिलों में क्लिनिकों पर छापे मारने के लिए लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी सुस्त अफसर से खपा CEO ने अफसरों की ली क्लास, तो परेड मैदान, पटन बाजार और ग्रीन बिल्डिंग के काम से असंतुष्ट रहे। वही खबर है, मसूरी से बाइक खाई में गिरी DIT का छात्र गंभीर, तो मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बाइक के साथ खाई में गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। STF और पुलिस ने पकड़े नशे के इंजेक्शन, तो 1500 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला 2 को गिरफ्तार किया गया है। कारोबारी से निवेश के नाम पर 2 करोड़ की धोखाधड़ी, तो प्रेमनगर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट के नाम पर कुछ साथी अपराधियों ने एक कारोबारी से 1.98 करोड़ रुपए हड़प लिए। कैंसर का देरी से पता चलना खतरनाक, तो जागरूकता के अभाव में 4th चरण में चल रहा सर्वाइकल कैंसर का पता। वेलनेस सेंटरों में होगी 600 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, तो आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने सभी जिलों को जारी किया आदेश। कबड्डी में हरिद्वार ने कब्जाया दोहरा खिताब। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 295 अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में निकली भर्ती 191 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 427 राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लोहड़ी महोत्सव में लगा गिद्दा और भांगड़ा का तड़का, मैराथन से दिया स्वास्थ्य रहने का संदेश। रैली से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। 7 किलोमीटर पैदल चलकर घायल तक पहुंची पुलिस। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को मिलेगी 1.30 लाख की अतिरिक्त सहायता, तो 170 प्रभावितों को बांटे जा चुके हैं 80 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए पूरा राहत पैकेज नहीं, और भी मिलेगा। गृह मंत्री ने मंत्रियों के साथ किया मंथन, जाने हालात, तो पर्यावरण, सड़क, बिजली और पानी की कमी पर चर्चा की। नई टिहरी के तर्ज पर बसाया जाएगा नया जोशी मठ, तो जोशी मठ भूदशा आपदा पीड़ितों को धामी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में जोशी मठ के भविष्य को लेकर के रोड मैप जारी किया जाएगा। अनुसूचित जाति के युवक को पीटने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, तो मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में 5 आरोपियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार देर शाम गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मजदूरों को 3 दिनों से नहीं मिला भोजन, तो रुद्रप्रयाग से खबर है, रेल परियोजना के तहत कर रहे काम, 3 माह से मजदूरी भी नहीं मिली। पुरोला धर्मांतरण मामले में एक महिला गिरफ्तार, तो पुरोला धर्मांतरण मामले में पुलिस ने देहरादून निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला का नाम वेशना के दौरान प्रकाश में आया था।
केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। तो बृहस्पतिवार को भी मौसम खराब रहा और केदारनाथ, ओली, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई। अंगीठी की गैस से बेटे की मौत, पिता समेत दो गंभीर। तो 44 से खबर आई है, स्थानीय ब्लॉक के ग्राम मथोली में अंगीठी की गैस से बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता सहित अन्य गंभीर हैं। इन्हें जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तीनों मथोली गांव के एक निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिया इस्तीफा, लोग हैरान। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय खंडूडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुद्रनाथ महोत्सव शुरू। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग डाटा एंट्री ऑपरेटर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 5 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके लिए 13 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी तक है। वही खबर है, पौड़ी से सुरंग में विस्फोट से मकानों में आई दरारें। तो श्रीनगर के लोगों ने डीएम को बताई समस्या। सीएम दफ्तर में लटकी हाथी मामले की फाइल। कला के अंकों को बोर्ड परीक्षा में जोड़ने की मांग। तो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में हुई तृतीय राज्य स्तरीय कला उन्नयन गोष्ठी में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कला विषय को सम्मान दिलाने के लिए इस विषय के अंकों को बोर्ड परीक्षा में जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। वन गुर्जरों के पुनर्वास के नाम पर करोड़ों की भूमि का घपला हुआ। अप्रैल से शुरू होगी चार धाम की यात्रा। तो 26 जनवरी को बद्रीनाथ, 18 फरवरी को तय होगी केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि। पेपर लीक मामले में लक्सर से गिरफ्तारी पर हरिद्वार में मचा हड़कंप। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई लेखपाल लिखित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले में एसटीएफ की कार्रवाई से हरिद्वार से भी हड़कंप मचा रहा। पेपर लीक की खबर सुनते ही परीक्षा देने वाले हरिद्वार के युवा चिंता में डूब गए। एसटीएफ और पुलिस ने पकड़े नशे के इंजेक्शन। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, 2 गिरफ्तार, 1500 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। 8 साल से फरार नाबालिग के दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 8 साल से फरार आरोपी को कनखल पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। द ऑक्सफोर्ड ने डीपीएस को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। उत्तराखंड का गाइड दल बना ऑल इंडिया चैंपियनशिप। मानसिक रूप से कमजोर किशोर पर किया जानलेवा हमला केस। तो ज्वालापुर में मानसिक रूप से कमजोर किशोर पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग एकत्र हो गए। कुछ लोगों और पुलिस ने मामले को संभाल लिया। बाइक की किस्त मांगने पर युवक को पीटा। तो हरिद्वार ज्वालापुर से खबर आई है। वही खबर, हल्द्वानी से नहर के बरिंग कार्य के चलते 4 मकान खतरे की जद में आए। शहर में कदम कदम पर मुश्किलों की ठोकर। तो गैर जिम्मेदारों की मनमानी, कई दिन से बह रहा सीवर का पानी। दिल्ली रूट का मामला सुलझा, 4 रूटों पर विवाद बरकरार है। लोक सेवा नहीं, ये लीक सेवा आयोग है। तो 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक होने से युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग प्रदेश के युवाओं के लिए लीक सेवा आयोग बनकर रह गया है। भीमताल में 1000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर बनेगा। प्रदेश में बनेंगे 6 बिजली सब स्टेशन। अब प्रदेश में कांग्रेस नहीं, भाजपा ही भाजपा। तो गौतम, तो भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ भीमताल में बैठक की। पाठशाला में डिग्री की पढ़ाई। तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज हल्द्वानी शहर के विद्यार्थी। युवाओं के सहयोग से नशा तस्करी पर लगाएंगे रोक। पूर्णागिरि धाम की होगी सुरक्षा। तो पूर्णागिरि धाम मार्ग में भूदशाव रोकने के लिए डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उत्तरायणी मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से होगी बागेश्वर नगर की सैर। 2 चरस तस्कर को 10 वर्ष की सजा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। निबंध में नेहा धामी को मिला पहला स्थान।
वही खबर आई है गंगोली हाट से, प्रदेश सरकार का पुतला फूका तो कांग्रेसियों ने जोशीमठ के लोगों के विस्थापन और मुआवजे की मांग की। हाफ मैराथन में भावेश मीनू सुनील ने मारी बाजी। बच्चों की काउंसलिंग करेगा जिला प्रशासन, तो डीएम ने भांग और अफीम की खेती करने वालों की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश दिए। सरयू नदी में कचरा डाले जाने के मामले में प्राथमिकता से देखे डीएम, इस बार अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। वही खबर यह है अल्मोड़ा से, 72 घंटे बाद सियालदेह के डाकघरों में कामकाज शुरू हुआ। द्वाराहाट के गांव में एक माह से नहीं टपका पानी। अल्मोड़ा में नालों को खोलने से पहले शिफ्ट होगी पेयजल लाइनें। आयुष्मान योजना मरीजों को राहत कम दर्द अधिक दे रही, तो ऑपरेशन कराने वाले मरीजों को उपकरण के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। अल्मोड़ा ने टनकपुर को हराया, तो टनकपुर महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता शुरू हुई। वही खबर है अल्मोड़ा से, डॉक्टरों के नशे में होने का नहीं मिला ठोस प्रमाण, बाइक रैली से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। वही खबर है खटीमा से, जमीन का विवाद निपटाने गई पुलिस से अभद्रता, वर्दी फाड़ी तो एक पुलिसकर्मी का शोल्डर वेज टूटा, 4 पर केस, 1 को गिरफ्तार किया गया है। संपर्क क्रांति 3 दिन और बाघ एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन नहीं चलेगी। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, तो डॉक्टर सुधांशु, तो विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की ओर से 12 दिनी राष्ट्रीय युवा सम्मेलन शुरू हुआ। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चल रही जांच पर हाईकोर्ट की रोक, तो हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयेंद्र मोला, गरिमादत्त सोनी और अभिनव थापर के खिलाफ उत्तराखंड के वित्त मंत्री के पुत्र द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को निरस्त किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इग्नू ने पत्रकारिता में शुरू किए नए पीजी कोर्स। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाए छूट का लाभ। फर्जी डिग्री वाले 34 और डॉक्टरों की तलाश शुरू हुई। निजी क्षेत्र में मिलेगी 10 से 75 हजार तक की नौकरियां, तो सेवा योजन विभाग के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में 10 से 75 हजार रुपए तक की नौकरी का मौका मिलेगा। ऑटो रिक्शा की 25 किलोमीटर तक की किराया सूची जारी हुई। दून के चौराहों पर 30 सेकंड बचाने के लिए खतरे में डाल रहे जिंदगी, तो दून की सड़कों पर हर साल वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 30 सेकंड बचाने के लिए ड्राइवर खुद के साथ वाहन में बैठे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। रेड लाइट जंप करने पर हुए चालान के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। उत्तराखंड में औसतन हर माह 2000 DL हो रहे सस्पेंड। युवा दिवस नशाखोरी पर नुक्कड़ नाटक से चोट की गई। दून में रईस जादे की कार को सीज किया गया। लोहड़ी आज घर से लेकर बाजार तक पर्व की धूम, तो उत्साह उमंग और खुशियों का पर्व लोहड़ी आज मनाई जाएगी। इसके लिए पंजाबी कॉलोनियों में जहां त्योहारों को मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं पर्व की पूर्व संध्या पर बाजार में लोग ने मुरैना खस्ता तिल स्पेशल, मूंगफली तिल बुग्गा, खजूर तिल पॉपकॉर्न की खूब खरीदारी की। प्रदेश में 14 से 19 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी, तो उत्तराखंड समेत समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमालय क्षेत्रों में हिमपात के बाद निचले क्षेत्रों में कपकपी बढ़ गई, हालांकि अभी सर्दी और कड़ी परीक्षा ले सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने आगामी 14 से 19 जनवरी के बीच उत्तराखंड समेत आसपास के राज्यों में कड़ाके की ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मृत व्यक्ति को जिंदा दर्शाकर बेची जमीन, महिला समेत 4 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश में 3 और स्थानों पर हेली सेवाएं होंगी शुरू, तो प्रदेश में अब हेली सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने 3 और स्थानों के लिए हेली सेवा चलाने के लिए निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब देहरादून को नैनीताल व जोशीमठ और हल्द्वानी को मुनस्यारी से जोड़ने की तैयारी है।